हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और मैंने किस तरीके से आज मार्केट में ट्रेड किया। लाइव ट्रेडिंग में मैं आपको बताता हूं कहां पर मैं ट्रेड एंट्री कर रहा हूं, कहां पर मैं एग्जिट कर रहा हूं। तो अगर आप चैनल में नए हो, पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं मार्केट में किस तरीके से मैंने ट्रेड किया है। तो मैं पहले अपना ट्रेड आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने आज टाइटन में ट्रेड किया था और मॉर्निंग में ही मैंने बता दिया था कि आज मैं टाइटन में यहाँ पर एंट्री लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मॉर्निंग में मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब के ऊपर। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, आप लोग देख सकते हो मैं पोजिशनल इसे लेकर गया हूँ। तो ये पोजिशन मैंने किस तरीके से बनाई और क्या व्यू रखा था अपना, वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज यहाँ पर जो देखोगे आप, टाइटन का ट्रेड मैंने यहाँ पर कहीं पर इनिशिएट किया था इस लेवल पर। ठीक है, टाइटन का एक ट्रेड मैंने यहाँ पर अभी पोजिशनली लिया है। उसका जो था, मैंने ये स्ट्रैटेजी भी मैंने अपने वीडियो में बताई है, तो आप लोग वीडियो को जाकर जरूर देखना। एंड स्क्रीन में मैं वीडियो को डाल दूंगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मंथली में, ठीक है, मंथली में यहाँ पर पुट राइटर है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर कैंडल है ये पुट राइटर है और 3000 के आसपास ये पुट राइटर इसे रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो इस वजह से ये 3000 के पास मैंने अलर्ट लगा कर रखा था और ये जैसे ही 3000 के नीचे गया तो मुझे अलर्ट मिल गया, वहाँ पर मेरा अलर्ट एक्टिवेट हो गया और मुझे इसे इस तरह 3000 के आसपास इसे बाय करना था। तो मैंने देखा कि स्टॉक उसके नीचे जा चुका है और फिर से अगर जब ये नीचे आया तो मैंने यहाँ पर उसमें एंट्री अपनी बना ली और यहाँ पर मैं अभी इसे होल्ड करने वाला हूँ और मेरा टारगेट होने वाला है 3100 का। क्योंकि अगर आप देखोगे कि 3100 पे यहाँ पर जो है मैसिव कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। ठीक है, कॉल राइटर की पोजीशन यहाँ पर 31,000 में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। अभी ये कॉल राइटर आपको डेली में दिख रहे होंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, पर आपको आप अगर देखोगे तो ये 31,000 का यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पर कॉल राइटर ज्यादा है और यहाँ पर पुट राइटर ज्यादा है। तो ये पुट राइटर इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे 31,000 तक। तो मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, 31,000 का यहाँ तक का मेरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उसे होल्ड करने वाला हूँ और मेरा स्टॉप लॉस यही पर नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, 80 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। अगर ये स्टॉक टूटता भी है और नीचे भी जाता है तो मैं कम से कम लॉस में इसमें, मतलब लॉस तो होने वाला नहीं है, अभी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर ही एसएल रख दिया है। तो इस तरीके से मैं ट्रेड को प्लान करता हूँ और आप भी इसी तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिन निफ्टी में एक ट्रेड लिया था। यहाँ पर फिन निफ्टी का मतलब फिन निफ्टी का यहाँ पर हमें रजिस्टेंस था, देखिए मैंने मार्क करके रखा है, और फिन निफ्टी का रजिस्टेंस था। तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से एक बाइंग किया था और फिर निफ्टी में हमें एक टारगेट मिला और फिर निफ्टी में जैसे ही ये कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल के नीचे हमने ट्रेड प्लान किया था और यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमने मेंटेन किया। ठीक है, सेम पैटर्न निफ्टी में भी बना था और सेम पैटर्न बैंक निफ्टी में बना था, क्योंकि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो आज फिर निफ्टी में बड़ा मूव हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, तो चलिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 काम करता है। तो ये इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को 9 सिनारियोज दिए गए हैं, इन 9 सिनारियो में ही मार्केट हमेशा क्या करता है, ट्रेड करता है। इन 9 सिनारियोज के बाहर मार्केट ट्रेड नहीं करता है। ठीक है, तो इन सिनारियोज के बारे में हम लोग अगर चार्ट में देखें तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ ग्रीन में सीई पीई लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ रेड बॉक्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट वाला बॉक्स है, यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला बॉक्स है, ये ट्रेडिंग एट ईओएस और ट्रेडिंग एट ईओआर। तो पहले मैं आपको बता दूँ, ईओएस का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। मान लीजिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मतलब कोई चीज, यहाँ पर मान लीजिए निफ्टी में 45,000 का यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, और निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से गिरती हुई नीचे की तरफ आती है सपोर्ट पर, तो वो यहाँ पर रुकती नहीं है। ठीक है,
अगर ये सपोर्ट ब्रेक किया तो उसका मान लीजिए एक्सटेंशन होगा, क्या होगा एक्सटेंशन होगा, वो 50 से 100 पॉइंट के आसपास का एक्सटेंशन निकालेगी और क्या करेगी, इसके भी नीचे जाएगी और यहाँ से फिर रिटर्न ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। वैसे ही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो मान लीजिए ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है और पर आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में दिखा रहा है कि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो बैंक निफ्टी क्या करेगी, रेजिस्टेंस तक नहीं जाएगी, उसके एक्सटेंशन तक जाएगी और वहां से फिर नीचे गिरेगी। आप लोग बोलते हो ना स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, स्टॉप लॉस दिख जाता है स्टॉप लॉस मार्केट में। अभी बहुत लोगों को पता पता होगा कि 45,000 के आसपास हमारा बैंक निफ्टी में सपोर्ट है, तो लोग क्या करते हैं कि 45,000 पे आने के बाद बाय कर लेते हैं इसमें, ठीक है, बाय कर लेते हैं और नीचे का 50-100 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस रख देते हैं। पर क्या होता है, ये हमेशा 45,000 पर ही नहीं रुकने वाली, ये उसके एक्सटेंशन तक जाएगी, तब के एसएल लेगा मार्केट और यहाँ से यू टर्न लेके घूम जाएगा। इसी वजह से आपके एसएल जो है वो हिट होते हैं, उसके पीछे का आज हम रीजन देखेंगे, ठीक है। तो ये ईओएस मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ईओआर मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ऊपर बनेगा, ईओएस नीचे बनेगा, सपोर्ट के नीचे और रेजिस्टेंस के ऊपर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक्सटेंशन ऑफ मतलब यहाँ पर दिख रहा होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ये दो यहाँ पर हमें चार्ट में दिखाई दे रहे हैं, और कुछ आपको यहाँ पर एरोज दिखाई दे रहे होंगे। एरोज यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाता हुआ एरो और नीचे की तरफ डायरेक्शन दिखाता हुआ एरो। तो ये क्या है, टॉप और बॉटम की तरफ वीक होने के यहाँ पर जो है संकेत हमें दिखा रहा है ये, ठीक है। टॉप और बॉटम की तरफ वीक होने के संकेत। अब टॉप और बॉटम की तरफ वीक होने के संकेत हमें किस तरीके से दिखाई देते हैं, वो हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं निफ्टी का चार्ट, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में हमें अच्छे से दिखाई देगा और यहाँ पर पैरेलली हम क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एलटीपी कैलकुलेटर का फुल वीडियो मैंने यहाँ पर डाल के रखा है मेरे चैनल पर। एलटीपी कैलकुलेटर फुल वीडियो आप लोग पहले जाकर देखना, तभी ये आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसका अगला वर्जन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो पहले दो वीडियो मैंने एलटीपी कैलकुलेटर के बना के रखे हैं, वो पहले जाकर देखो तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी फिर, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की तरफ, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सपोर्ट मुझे दिख रहा है, रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, 20,300 के ऊपर मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, और सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है मुझे, ये मेरा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है मुझे 20,200 के पास मेरा सपोर्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, WTT लिखा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, WTT मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप, ठीक है, और WTB मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम, ठीक है। ऑप्शन चेन में बॉटम कहाँ पर है, ये यहाँ पर बॉटम है, ठीक है, ये ऊपर की साइड पर, ये इमेजिनरी लाइन के ऊपर सब कुछ ये बॉटम में आता है, ठीक है, और इमेजिनरी लाइन के नीचे ये सब कुछ टॉप में आता है। ऑप्शन चेन हमेशा उल्टी दिखाई देती है यहाँ पर हमें, ठीक है। तो ये हो गया टॉप और ये हो गया बॉटम। अगर एरो ऊपर की तरफ मैं दिखाऊं तो मतलब बॉटम की तरफ वीक है, और अगर मैं एरो नीचे की तरफ दिखाऊं तो मतलब टॉप की तरफ वीक है, मतलब टॉप कमजोर है, टॉप ब्रेक हो सकता है ऊपर की तरफ, और बॉटम की तरफ वीक है मतलब बॉटम ब्रेक हो सकता है नीचे की तरफ, बॉटम जो है वो कमजोर दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। सपोर्ट अब वीक टुवर्ड्स टॉप क्यों है, यहाँ पर आप लोग देखो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप क्यों है, क्योंकि ये सपोर्ट दिख रहा है 20,200 के पास, हमें ये नीला बॉक्स ब्लू कलर का यहाँ पर बॉक्स हमें दिख रहा है, तो ये हमारा सपोर्ट है। पर अगर ये मतलब ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम का सपोर्ट है, और सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम येलो कलर से दिखता है, तो वो कहाँ पर है, वो 20,250 के पास है, मतलब ये वैल्यू बड़ा है ना, तो ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, मतलब ये कहाँ पर वीक है, टॉप की तरफ वीक है, ठीक है, ये टॉप की तरफ वीक है। इस तरीके का एरो बनेगा यहां से यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का,
अगर ये यहाँ पर बना होता तो फिर भी टॉप की तरफ वीक होता सपोर्ट, और मान लीजिए येलो कलर का बॉक्स यहाँ पर बना होता तो क्या होता, वीक टुवर्ड्स बॉटम होता, क्योंकि ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये बॉटम की तरफ वीक है, ठीक है, ये सब कुछ बॉटम की तरफ जाता है और ये टॉप की तरफ जाता है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस, ये इस तरीके के एरो होते हैं। तो यहाँ पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनारियो अगर हम लोग देखे तो यहाँ पर हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का वन पहला सिनारियो हमें यह बताता है कि अगर सपोर्ट स्ट्रांग है, ठीक है, अगर सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, ठीक है, अगर सपोर्ट स्ट्रांग है तो और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप लोग एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट को बाय कर सकते हो और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल को बाय कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रांग है, अपने आप में ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और सपोर्ट जो है ये सपोर्ट जो है ये भी स्ट्रांग है, तो इस सिनारियो में आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पुट बाय कर सकते हो यहाँ पर, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, अभी मैं क्लियरली आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये सपोर्ट है और ये उसके नीचे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में पहला सिनारियो में ये बताता है कि आपको मार्केट जब भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के पास मिले, ई ओ आर के पास, तो आप लोगों को यहाँ पे पीई का ट्रेड लेना है, बाय साइड, बायर पीई बाय कर सकते हैं और सेलर कॉल सेल कर सकते हैं। और जब भी मार्केट आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मिले, ठीक है, ये हो गया हमारा ई ओ एस, ठीक है, ई ओ एस, यहाँ पर जब भी मिले तब हमें कॉल की बाइंग करनी है, मतलब सी को बाय करना है और पीई को सेल करना है, ठीक है। तो ये हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का पहला सिनारियो हमें ये वाला जो है ये बताता है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे सिनारियो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं स्पीडली बताऊंगा, आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना और वीडियो को दो बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग चलते हैं दूसरे सिनारियो की तरफ, ठीक है, यहाँ पर आपको रेड बॉक्स दिख रहा होगा, इसका मतलब है बिल्कुल भी हमें ट्रेड नहीं करना, ठीक है, यहाँ पर हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, इस वाले रेड बॉक्स में अगर सिनारियो आता है तो हमें इसमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा सिनारियो में क्या बताता है, सपोर्ट अगर स्ट्रांग है, ठीक है, क्या बता रहा है, सपोर्ट अगर स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, ये एरो कहाँ पर दिखा रहा है, ऊपर की तरफ, सॉरी, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम की तरफ दिखा रहा है, ऊपर का एरो मतलब बॉटम की तरफ दिखाएगा और नीचे का एरो मतलब टॉप की तरफ दिखाएगा, ये लिख लीजिए आप लोग, कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो ऊपर की तरफ मतलब बॉटम की तरफ वीक है और नीचे की तरफ मतलब टॉप की तरफ वीक है, ये कहीं पर भी आ सकता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की साइड में आ सकता है, तो आप लोग उसे देख लेना, ठीक है। तो सेकंड सिनारियो हमें ये बता रहा है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का कि सपोर्ट अगर स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है, मतलब कौन सा सिनारियो आएगा आप लोग अभी देखोगे, ठीक है, ये सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है, वीक टुवर्ड्स बॉटम मतलब ये येलो बॉक्स जो है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर जो बॉक्स है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो बॉक्स है वो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब ये हाइएस्ट वॉल्यूम और ये सेकंड हाइएस्ट वॉल्यूम है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अभी के सिनारियों में ये उल्टा है, ये हाईएस्ट वॉल्यूम है और ये सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो ये जो रेजिस्टेंस है वीक टुवर्ड्स टॉप है, ठीक है, अभी आपको WTT यहाँ पर दिख रहा होगा तो ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, अगर ये येलो बॉक्स यहाँ कहीं पर बना होता, ठीक है, यहाँ पर अगर बना होता तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होता, तो इसी सिनारियो की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अभी। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का दूसरा जो सिनारियो है, अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है और सपोर्ट स्ट्रांग है तो आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्या करना है, बाय पीई फ्रॉम एवरी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और डायवर्जन, ठीक है, डायवर्जन की बात हम बाद में करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है,
पीई बाय करना है एवरी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। चार्ट में जाकर देखते हैं, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सपोर्ट क्या दिखा रहा है हमें, सपोर्ट अगर स्ट्रांग है अपने आप में, ठीक है, सपोर्ट अगर स्ट्रांग है और जो रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अभी चार्ट में बॉटम नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, वहां पर ऊपर की तरफ दिख रहा था, ठीक है, तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो आप लोग क्या करोगे, एवरी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट को बाय करोगे, ठीक है, तो आपको इस तरीके का ट्रेड यहाँ पर सपोर्ट की साइड पर देखने के लिए मिलेगा। यह था चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 का दूसरा सिनारियो। अब हम लोग बात करते हैं चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के तीसरे सिनारियो की, ठीक है। तीसरा सिनारियो हमें क्या बताता है कि सपोर्ट अगर स्ट्रांग है, सपोर्ट क्या है, स्ट्रांग है, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है। रेजिस्टेंस क्या है, टॉप की तरफ वीक है, ऊपर की साइड में जो है रेजिस्टेंस वीक है, तो आपको क्या करना है, एवरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आपको सी बाय करना है, कॉल बाय करना है। एवरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आपको ई बाय करना है। क्यों बाय करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक है। रेजिस्टेंस क्या है, वीक है। ये जो रेजिस्टेंस है ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, ठीक है, ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वीक है, तो निफ्टी क्या करेगा, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा। फिर आपको इस केस में यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर है और आपको ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, तो एवरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपको क्या करना है, बाय करना है, सी सपोर्ट से सी बाय करना है, तो आप ऊपर की तरफ उसे लेकर जाएंगे, प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। इन सिनारियोज के बाहर बिल्कुल भी मार्केट नहीं जाता, यही आसपास में बदलते रहते हैं सिनारियोज, 9 सिनारियोज, ठीक है। तो ये तीसरा सिनारियो हमने देख लिया कि हमें अगर सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो हमें क्या करना है, एवरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल को बाय करना है, ठीक है। और चौथा सिनारियो भी देख लेते हैं, फोर्थ नंबर का सिनारियो, यहाँ पर ये रेड बॉक्स आ गया है अभी। तो ये सिनारियो हमें बताता है अगर सपोर्ट पीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है, सपोर्ट बॉटम की तरफ कमजोर है, बॉटम ब्रेक हो सकता है, इसका मतलब सपोर्ट अगर बॉटम की तरफ कमजोर है और रेजिस्टेंस क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है, ये बहुत इजी सिनारियो है। इसमें क्लियर कट आपको ट्रेंड मिलेगा, ठीक है, क्लियर कट नीचे की तरफ से आपको ट्रेंड मिलेगा। सपोर्ट अगर नीचे की तरफ वीक है, ठीक है, और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, मतलब रेजिस्टेंस तो ब्रेक करेगा नहीं, सपोर्ट वीक है तो क्या ब्रेक करेगा, सपोर्ट ब्रेक करेगा, तो आपको क्या करना है, एवरी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाएगा आपको पुट बाय करना है, तब तब मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेगा मार्केट और नीचे आ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट रिकवर करने की तो कोशिश करता है, लेकिन रेजिस्टेंस फेस करके फिर से वहां से नीचे गिर जाता है, तो ये इस सिनारियो की वजह से होता है, ये आपको चार्ट में दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से ऑप्शन चेन में दिखेगा, ये सपोर्ट जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम है और ये रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है। मतलब क्या है इसका, इसमें अगर हम लोग देखें, अगर मान लीजिए कि 2300 में, 20,300 में ये रेजिस्टेंस जो है वो बहुत जबरदस्त स्ट्रांग है, और सपोर्ट जो है ना, ये येलो बॉक्स मान लीजिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ कहीं पर है, ठीक है, यहाँ कहीं पर है, तो ये क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, ठीक है, यहाँ तक बॉटम हो गया, मतलब 20,000 तक क्या क्या बोल रहे हैं अपन, ये गिरने के चांसेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये 20,000 तक गिर सकता है मार्केट। तो आपको इसके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, 20,303, 20,303 के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जब भी आपको मार्केट मिलेगा, और ये चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.4 का सिनारियो बन रहा होगा, तो आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हमेशा पुट बाय करके चलना है, कॉल को वहां पर बाय नहीं करना है। तो अगला सिनारियो हम लोग देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर का सिनारियो है हमारा, सपोर्ट अगर पीक टुवर्ड्स टॉप है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ है, मतलब टॉप की तरफ, सपोर्ट अगर वीक टुवर्ड्स टॉप है और रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में होता है, तो वो अगर स्ट्रांग है और जो सपोर्ट है वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो इस सिनारियो में क्या करना है,
पाई सी फ्रॉम एवरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और डाइवर्जन। ठीक है, एवरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में आपको क्या करना है, कॉल को बाय करना है। रेजिस्टेंस यहाँ पर स्ट्रांग है, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पर स्ट्रांग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। ये किस तरीके से दिखाई देगा, मान लीजिए चार्ट में रेजिस्टेंस ये बहुत जबरदस्त स्ट्रांग है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जबरदस्त यहाँ पर, एक बार फिर से देख लेते हैं, सपोर्ट सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, ठीक है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ठीक है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग है और जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, ठीक है, वीक टुवर्ड्स टॉप है, मतलब क्या हो गया कि सपोर्ट पे जब भी आएगा मार्केट बाउंस कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग अगर देखोगे सपोर्ट को, सपोर्ट लिया बाउंस कर गया, सपोर्ट लिया बाउंस कर गया, तो एवरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आपको क्या करना है, कॉल की बाइंग करनी है, मार्केट आपको तब तक ऊपर जाता हुआ दिखेगा इस सिनारियो में, ठीक है। तो सिक्स नंबर का सिनारियो अब भी हम लोग देख लेते हैं। सिक्स नंबर के सिनारियो में क्या है, यहाँ पर रेड बॉक्स दिखाई दे रहा है और सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे, बॉटम दिखाई दे रहा है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस भी क्या दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट बाय करना है, ठीक है, पुट बाय करना है आपको। ये जबरदस्त यहाँ पर गिरावट आने वाली है क्योंकि दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ बना है ना, एरो एरो कहाँ पर बना है, ऊपर की तरफ बना है, कॉल का भी मतलब रेजिस्टेंस का भी और सपोर्ट का भी, इसका भी जो है वो नीचे की तरफ वीक है और सपोर्ट जो है वो भी नीचे की तरफ वीक है। तो इस तरीके से अगर दोनों एरो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं हमें, ठीक है, ये येलो कलर यहाँ पर है, मतलब अगर येलो ब्लू बॉक्स यहाँ पर है और येलो बॉक्स यहाँ पर है, तो इसका भी ब्लू बॉक्स यहाँ पर है, येलो बॉक्स यहाँ पर है, दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहे हैं, तो इसमें हेवी गिरावट आने के चांसेस है, इसमें मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर सकता है, इसमें आप बिंदास पुट खरीद कर बैठ जाओ जिस जगह पर भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिक्स सिनारियो हमने देख लिया। अब सेवन सिनारियो की बात करते हैं। सेवन सिनारियो में अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, ठीक है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो इसमें जो है टॉप की तरफ जो वीकनेस है वो ब्रेक हो सकती है और ऊपर की तरफ मार्केट भाग सकता है। तो आपको क्या करना है, एवरी एक्सटेंशन ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है, एवरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आपको कॉल बाय करना है, मतलब जब भी मार्केट नीचे गिरेगा आपको कॉल बाय करना है। कब करना है, जब ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, ठीक है, ये दोनों ही एरो इस तरीके से नीचे आ जाए, कॉल और पुट की साइड के दोनों ही जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं और जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम टॉप दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमें रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, इस केस में मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। सेम सिनारियो यहाँ पर, ब्लू बॉक्स के नीचे येलो बॉक्स, ब्लू बॉक्स के नीचे येलो बॉक्स, मतलब ये दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप हो गए, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकता है। इसमें दिख रहा है आपको मार्केट गिर रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, गिर रहा है ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो यहाँ पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में सिक्स सिनारियो सेवन सिनारियो आपको बताता है कि जब भी इस तरीके से एरो नीचे की तरफ दोनों बने तो आप लोग एवरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल की बाय कर सकते हो, ठीक है, कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देखोगे एवरी गिरावट पे अगर यहाँ पर आप कॉल बाय करते तो प्रॉफिट मिलता, कॉल बाय करते तो प्रॉफिट मिलता, कॉल बाय करते तो प्रॉफिट मिलता। इसी सिनारियो की, सेम टू सेम सिनारियो की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सिनारियो हम लोग देखते हैं, अभी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का एट सिनारियो क्या है। इन एट और नाइन सिनारियोज में हमें बिल्कुल भी ट्रेड को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है, बिल्कुल भी हमें ट्रेड को छूना नहीं है, किसी भी हालत में हमें ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना है, वेट करना है इन सात सिनारियोज में से एक कोई भी सिनारियो बनेगा तब हम लोग उस डायरेक्शन में ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एट और नाइन सिनारियो जो है वो क्या बताता है, वो बताता है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी टॉप की तरफ कमजोर है और सपोर्ट भी टॉप की बॉटम की तरफ कमजोर है। इसमें क्या हो सकता है कि किसी भी डायरेक्शन में निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर कोई भी इंडेक्स है जो
एग्रेसिवली मूवमेंट कर सकता है। मान लीजिए आपने कॉल खरीद लिया और निफ्टी गिर गई नीचे जोर से, ठीक है, तो आपको वहां पर लॉस हो सकता है। और अगर आपने पुट खरीद कर रखा है और निफ्टी भाग गई ऊपर की तरफ, ठीक है, इन सिनारियोज में से कुछ भी एक बन गया, पिक टूवर्ड्स क्या हो गया, दोनों टॉप टॉप की तरफ हो गया, और आपने पुट खरीद कर रखा है तो मार्केट ऊपर की तरफ भाग गया, दोनों ही केस में आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। और इस एक केस में आपको ट्रेड नहीं करना है जब सपोर्ट वीक टूवर्ड्स क्या हो जाए, टॉप हो जाए, और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाए। मतलब क्या, ये कॉल वाले चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिरे और पुट वाले चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, तो दोनों की यहाँ पर जो है टक्कर चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो इस बीच में हम गरीबों को बिल्कुल भी पैर के नीचे नहीं आना है, ठीक है। आप लोगों को ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, अगर कॉल वाले ऊपर की तरफ से नीचे गिराने में लगे और पुट वाले नीचे से ऊपर की तरफ लगे हुए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, इनमें आपस में ही लड़ाई चल रही है, तो इनके पैरों के बीच में हमें नहीं आना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड फंड है, ठीक है, और इनके पैरों के बीच में आएंगे तो कुचले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो वेट करना है, हमें जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करना है। आपको ये वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अगर समझ में आया है तो आप लोग इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये इन्वेस्टिंग डायरी जो है वो मेरा नहीं है, ठीक है, वो इन्वेस्टिंग डायरी की वेबसाइट से आप लोग ये कैलकुलेटर परचेस कर सकते हो, पेड टूल है ये, आपको उनके वेबसाइट से आपको परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट में लिख रहे हो बहुत सारे लोग कि ये टूल हमें चाहिए, तो ये मेरा टूल नहीं है, ये इन्वेस्टिंग आईडी की वेबसाइट से आप लोग परचेस कर सकते हो, ठीक है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। अभी एक नया फीचर इसमें ऐड हुआ है जो कि जिसका नाम जीनी है। जीनी क्या करता है, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। तो फिर निफ्टी में हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट, ट्वेंटी ठीक है, 20,200 का सपोर्ट, और रेजिस्टेंस बताओ भाई, 20,300 20,300, ठीक है। तो ये जीनी और एडवांस होगा और ये आपको ट्रेड भी बताएगा, तो ये बहुत यूजफुल टूल है, जिसे आप इन्वेस्टिंग डैडी की वेबसाइट पर जाकर परचेस कर सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर है उनका, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके इंक्वायरी कर लेना, ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मेरा पेड प्रमोशन है, कुछ भी नहीं, ठीक है। आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, बस ऐसे ही मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।